सीता माता की खोज करने के लिए जब वीरों के बारे में सोचा गया तो उसमें हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र को लांघने के लिए पूर्णतः सक्षम थे। लेकिन अंगद जी ने कहा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती पारा। आखिर अंगद जी ने ऐसा क्यों कहा? उन्हें समुद्र लांघने में जब वो सक्षम थे, उन्हें वापिस आने में क्या संशय था? आइए जानते हैं इसी कथा को। अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के ही समान थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था। लेकिन वे कहते हैं कि मुझे लौटने में कुछ संशय है। बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत शक्तिशाली थे और थोड़े से शैतान भी थे। वो प्राय अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, कभी किसी अन्य प्रकार से छेड़ देते थे। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता और अंगद की शिकायत करता। एक दिन गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद जी का यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा और ये बात रावण भी जानता था। इसीलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि एक बड़ा भारी बंदर आया है जो कि अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा, क्योंकि वह जानता था कि बानरों में इतना शक्तिशाली बाली था या फिर अब अंगद है जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकता है। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, तो हो ना हो यह अंगद ही होगा। अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसे बड़ी सरलता से मार देगा, उसका वध कर देगा। पुनई पठौते ही अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। आवत देखी विटप गही तरजा, ताही निपाती महाधुनि गरजा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा और कहा कि उस बानर को तुम मारना नहीं, उसे बंदी बनाकर लाना ताकि मैं ये देख सकूं कि बाली और अंगद के सिवा और कौन सा बानर इतना शक्तिशाली है। सुनिसुत बध लंकेश रिसाना, पठैसी मेघनाथ बलवाना। मारे सी जनिसुत बांधे उताही, देखिए कपिही कहां कर आही। हनुमान जी जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा, अंगद लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया, जिससे अंगद जी बिना संशय के बाद में लंका में प्रवेश कर सकें और बाद में अंगद शांति दूत बनकर आराम से लंका में प्रवेश कर पाए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।